नमस्कार, मैं दीप्ति सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा आज का ये कार्यक्रम गणित विषय पर आधारित है। आज हम गणित विषय के अंतर्गत अनुपात के बारे में जानकारी लेंगे, जिसकी जरूरत हमें प्रतिदिन ही पड़ती है, कभी कम अधिक में तो कभी छोटे बड़े में तुलना करने पर इत्यादि में। बच्चों, ये जानकारी आपको देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री सर्वेश शुक्ला जी। तो नमस्कार बच्चों, सबसे पहले नमस्कार। आप हमारे बच्चों को आज अनुपात के बारे में बताइए, क्योंकि इसकी जरूरत तो हमें प्रतिदिन ही पड़ती है किसी न किसी रूप में। तो हमारे बच्चे जानना चाहेंगे कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, अनुपात बहुत ही काम की चीज है और आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक भी है। आपस में बच्चे कभी कभी इसी बात पर लड़ जाते हैं कि मैं छोटा हूँ कि तुम छोटे हो। तो अनुपात ठंडा गरम, कितना ठंडा है कितना गरम है, महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी, किस अनुपात में बढ़ी, बहुत बढ़ रही है आजकल तो महंगाई तो इस तरीके से हम लोग जब भी हमें कोई भी चीज का अनुपात या किसी चीज की तुलना करनी होती है कि कोई चीज कितने गुना बढ़ी, तो हम अनुपात का सहारा लेते हैं, अनुपात निकालते हैं। अब इसके दो विधियां, एक तो अंतर विधि है, दूसरा भाग विधि है। अंतर विधि छोटे छोटे उदाहरणों में अच्छा सही रहती है। जैसे अब किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष है और किसी बच्चे की आयु 12 वर्ष है, तो उसने पूछा कि मैं तुमसे कितने साल बड़ा हूँ। तो बच्चे बताइए जरा, 10 साल का आप हैं, आप 10 साल के हैं और आप 12 साल के हैं, तो कितने साल का अंतर हुआ? दो साल का, मतलब कि आप 2 साल बड़े हुए। एक तो ये तरीका हो गया कि 2 साल बड़े हुए। और अनुपात की दूसरी विधि है भाग विधि, जो गणित में हम इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर गणित में इस्तेमाल की जाती है और बड़ी संख्याओं में उसी का प्रयोग ही होता है। तो सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा बता दें, दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैसे कहते हैं? दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि इकाई समान होनी चाहिए। जब भी इकाई समान होगी तभी हम उसका सही अनुपात निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर राशियां बदलेंगी तो अनुपात गड़बड़ा जाता है। अच्छा अच्छा, इकाई समान होनी मतलब चाहिए। इकाई समान से क्या मतलब तात्पर्य आपका? जैसे मान लीजिए, अगर बच्चों में तुलना हो रही है तो बच्चे रहे, फल है तो फल ही रहे। अच्छा अच्छा, जो चीज है उसी में तुलना, एक ही चीज में तुलना होनी। ऐसा नहीं कि बच्चों में और फल में तुलना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे, फल है तो फल ही रहेंगे, एक ही समान राशियां होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। तो ये समझ में आ गया बच्चों आपको? हाँ। अब इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं कि ये है क्या भाग विधि। इसके अनुसार जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरी अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे यह ज्ञात होता है कि संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। ठीक है जी। तो इसको निकालने के लिए जब हम लोग, एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसका एक चिन्ह होता है, अनुपात का एक चिन्ह होता है। इसमें दो बिंदियां रखी जाती है जिसे हम लोग विसर्ग भी कहते हैं। जी। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये देखिए, इसका ये चिन्ह होता है अनुपात का, ऐसे दो बिंदी यहाँ पर रखी रहती है। ठीक है। हाँ। तो अनुपात चिन्ह भी हो गया। हाँ। अब इसको निकाला कैसे जाता है, इस विषय पर भी हम लोग आते हैं, लेकिन इसमें एक खास चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि इसके निकालते वक्त उसमें कोई भी राशि शून्य ना हो। जी। क्या ना हो? शून्य ना हो, क्योंकि अगर शून्य हुआ तो उसका हम लोग अनुपात नहीं निकाल सकते। तो हम किससे निकालेंगे अनुपात? हाँ जी। तो हमें इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि राशि शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक भाग विधि द्वारा हम लोग निकाल के देखते हैं कि अनुपात कैसे निकलता है। जी। अब मान लीजिए कि एक पिताजी है, मान लीजिए आपके, उनकी उम्र है 54 वर्ष। जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जी। कितनी आयु है उनकी? 54 वर्ष। और
एक बच्चा है, उसकी उम्र है 18 वर्ष। जी ठीक है। हाँ। तो पिता की आयु हुई 54 वर्ष और बेटे की आयु हुई 18 वर्ष। अब इसका अनुपात निकालना है। जी ठीक है। तो हम इसको भाग विधि द्वारा ऐसे लिखेंगे और इसको भाग देंगे। जी। तो 18 + 54 तो आया 3:1। एक। तो पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर है? 3 गुने का अंतर है। और इसको अनुपात में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3:1। देखिए बीच में मतलब अनुपात का चिन्ह लगेगा। जी। और ये चिन्ह अति आवश्यक है क्योंकि यही बताता है कि अनुपात में अब आ गया है। जी। मतलब हमें जिसके बीच में अनुपात निकालना है उसे हम भाग देंगे। हाँ। अच्छा। अब मान लीजिए कुछ एक और इसको हम आपको उदाहरण से स्पष्ट करना चाहेंगे। मान लीजिए ये कोई फल है आपका, मान लीजिए आम है, ये 3 आम है एक तरफ। जी जी। और एक दूसरी तरफ बना हुआ है चार आम। अब अगर कोई कहे कि इस चित्र में आपको जो आम दिख रहे हैं उसमें क्या अनुपात है? जी। तो हम इसको दिखाएंगे कि इस आम का अनुपात है 3:4। ठीक है। जी। जहां पे कटने वाला होगा वहां तो हम उसको भाग विधि से काटेंगे। जी। और यहाँ 3:4 ये नहीं कटेगा। अगर हम इसको 4/3 रख भी दें, 3/4 अगर हम इसको रख भी दें तो ये कटेगा नहीं। जी नहीं कटेगा, है ना? कटेगा। तो ये हमारा स्वयं में पूर्ण है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जी। ठीक है। जी। एक उदाहरण और देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 मोमबत्ती हैं। जी। ठीक है। जी। अब हमें इसकी लंबाई का अनुपात निकालना है। तो इसकी लंबाई है 8। ठीक है। जी। हाँ जी। 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहां लिख दिया एक मोमबत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर और दूसरी मोमबत्ती हमारे पास है जिसकी लंबाई है लगभग 12। ठीक है। जी। तो हमने इसको लिख दिया दूसरी मोमबत्ती को 12 सेंटीमीटर। जी। अब जब हम इसका तुलना करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा 12/8। अब ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कटेगा ना? जी। किससे कटेगा? काटिए जरा। दो से काट के देखें। जी। 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और ऊपर 6 बार। अभी और कटेगा कि खत्म? कटेगा ना? 2 से। काटिए जरा। 2 से 2 बार और 3 बार। अब कटेगा? नहीं। अब नहीं कटेगा। तो ये कितना आ गया? 3/2। अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? 3:2। अनुपात का चिन्ह क्या है? 2 बिंदु। 3:2। अब आप लोगों को समझ में आया अनुपात क्या है? जी। इसी का एक व्युत्क्रम भी होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में क्या होता है, हम इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे अभी तक हम लोग 3:2 बोल रहे थे, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा व्युत्क्रम ये 3:2 था ना, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2:3। ठीक है बच्चों। जी। तो ये हुआ आपका व्युत्क्रम। जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा कि हम आपसे 2 गुना बड़े हैं, या आपने कहा कि आप हमसे 2 गुना बड़े हैं। जी। तो बात वही रही। वही 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 वही। ठीक है। जी। आप लोग को समझ आया? हाँ। अब आपके जीवन में अगर इसका इस्तेमाल करना होगा, अनुपात किसी चीज का निकालना होगा तो आप निकाल सकेंगे। जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने अनुपात के बारे में जाना। हम अपने अगले कार्यक्रम में किसी ऐसे ही रोचक बिंदु के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार बच्चों।